अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी नाज़रीन का मैं खैर मकदम करती हूँ क्यूएनएस टीवी में। मैं हूँ सबा अंसारी और आप देख रहे हैं मेरे साथ कल से अब तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अनंतनाग में खवातीन को फाइनेंशियली मजबूत बनाने के लिए फ़िश फार्म सेटअप किए हैं। ये स्कीम PMMSY के अंदर 5 साल तक चलेगी, जिसके लिए एलोकेशन बजट 20,000 करोड़ रुपये है। इस स्कीम का मकसद जम्मू कश्मीर के यूथ को रोज़गार फराहम कराना है। नाज़रीन, आज आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रेस कॉलोनी एहतजाज करने पहुँचे। उनकी मांग है कि उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। इससे पहले भी गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कल भी एहतजाज किया था, लेकिन आज वो एहतजाज करने के लिए प्रेस कॉलोनी पहुँचे। इस सब के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से अपील की है कि उनकी इस मांग को सुना जाए और उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। नाजरीन, आज सुबह रामबन के बानिहाल इलाके में ताज़ा लैंडस्लाइड के चलते एक बार फिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मुतासिर होकर रह गया, जिसके बाद रेस्टोरेशन का काम चलाया गया और 12 बजे के बाद ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई। वो तमाम लोग जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफ़र करने का सोच रहे हैं, वो अपना सफ़र तय करने से पहले एक बार ज़रूर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से रابطہ करें, ताकि रास्ते में होने वाली परेशानियों से बचा जाए। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ बताया कि अब तक जम्मू कश्मीर यूटी में 2,15,00,000 कोविड-19 वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी है। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कैंपेन चलाई गई थी, जिस कैंपेन का नाम हर घर दस्तक था, जिसमें हेल्थ वर्कर्स ने हर घर घर जाके कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को लगाई, साथ ही में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की इम्पोर्टेंस और साथ ही में मास्क की इम्पोर्टेंस को भी समझाया। DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने गुज़श्ता शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि मनुष्यात के जहर को सोसाइटी से ख़त्म करने के लिए आम लोगों को भी इसमें अपनी दखलअंदाजी को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि अकेले एडमिनिस्ट्रेशन इस जहर के खिलाफ नहीं लड़ सकता है, तो इसलिए इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का होना लाजमी है। नाजरीन, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के कुलपुरा इलाके में गुज़श्ता शाम एक नामालूम शख्स ने वहां के सरपंच को गोली मार के उनकी हत्या कर दी। खबर रसाई के मुताबिक सरपंच मोहम्मद याकूब डार को जख्मी हालात में अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन वहां वो जख्मों की ताब न सहते हुए इंतकाल कर गए। इस सारे मामले के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। वहीं कुलगाम के हाजीपुरा इलाके में गुज़श्ता शाम पंचायत घर में आग की वारदात पेश आई, लेकिन वक्त रहते ही इस आग पर काबू पा लिया गया। हाजीपुरा के तहसीलदार ने बताया कि इस आग में पंचायत घर की इमारत के खिड़की और दरवाजे मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए हैं। नाजरीन, आज पाकिस्तान में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत वाक़ हुई है। खबर रसाई के मुताबिक पाकिस्तान के जीना रोड पर के पास एक पुलिस वैन खड़ी थी, जिसके करीब ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत वाक़ हुई है और वहीं 24 लोग इस ब्लास्ट में ज़ख्मी हुए हैं। नाजरीन, सरहदी बस्ती उड़ी में सीज़ फायर के बाद पहली बार स्कूल खुले हैं। साल 2021 में 25 फरवरी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक मुहादा हुआ था और अब उस मुहादे को 1 साल पूरा हो चुका है, और इस 1 साल में सरहदी बस्तियों में अमन और सुकून छाया रहा है, और उसी के चलते अब वहाँ के स्कूल्स को खोला गया है, क्योंकि उससे पहले वहाँ के लोग बाहर जाने से डरते थे, बच्चे बाहर जाने से डरते थे, क्योंकि दोनों तरफ से गोलीबारी जो है वो होती रहती थी। लेकिन जब से सीज़ फायर हुआ है, पे सुकून का माहौल छाया रहा है और अब उसी के चलते वहां सीज फायर के बाद पहली बार स्कूल्स को खोला गया। नाजरीन, गुज़श्ता रात जम्मू के सिधरा इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया। खबर रसाई के मुताबिक एक कार एक ट्रैक्टर से जा टकराई। इस सड़क हादसे में एक कार में जो 2 लोग सवार थे, उन दोनों की मौत वाक़ हुई है। उनको जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और इन 2 लोग की जो जान गई है, इनमें से एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एहलकार। अब आखिर में आप तक पहुंचाते हैं मौसम से जुड़ी जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम महकमे की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम में बेतरतीबी रहेगी, यानी बारिश और हल्की बर्फबारी होने का इम्कानात है। इसी के साथ हमारी आज की पेशकश अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आप देख रहे थे मेरे साथ कल से अब तक। नाजरीन, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दिन भर की खबरों से रूबरू होने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें। हमारी वेबसाइट है www.qnstv.com। इसी के साथ मुझे यानी अपनी मेज़बान सबा अंसारी को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।